नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे दर्शकों को ढेर सारा प्यार और आप लोगों को आज आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके घर पे आके आप लोगों से बात कर रहा हूं। सोचिए किसका घर है जहां किताबें हैं, जहां ये लॉरेल हार्डी का फोटो है, जहां पे चार्ली चैपलिन है। तो आप सोचिए किसके घर पे मैं आया हूं। और एक क्लू देता हूं, ये घर पे आपको तीखा चटपटा खाना नहीं मिल सकता है। ये घर पे आपको करेला और दूधी की सब्जी मिलेगी, क्योंकि ये डाइट क्वीन हमारी अंजलि भाभी का घर है और हमारे तारक मेहता जी का घर है। तो मैं उनके ही घर में आके हमारे तारक मेहता जी को बहुत आनंद के साथ उनके ही घर पे मैं बुलाता हूँ। आइए तारक भाई, आइए आइए, आप ही के घर पे आपका स्वागत है। शुक्रिया। बैठिए। ये है हमारे तारक मेहता जी। नमस्ते। कुछ फूल खिले बगीचे में तो खूबसूरती नजर आई, आप सब आए साथ में तो हमारे घर पे भी खुशियां आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जब ऑफर किया गया था ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये शो जब ऑफर किया गया आपको, एज अ तारक आपको ये किरदार प्ले करना, तो किस तरह का रिएक्शन था, थॉट क्या था, क्या कहना था? सबसे पहले तो मुझे जब मैं ऑडिशन के लिए आया था तो ऑडिशन के बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो एक एक्टर हूँ, तो एक एक्टर का काम क्या होता है। एक एक्टर का काम जो होता है वो पानी की तरह होता है। बेसिकली ये जो ग्लास में पानी है उसने ये वाला शेप ले लिया है, अगर मैं उसे इस ग्लास में डालूंगा तो वो ये शेप ले लेगा। तो पानी का जो काम होता है शेप लेना, सिमिलरली एक्टर का काम होता है शेप लेना। मैं अपनी पूरी मेहनत जान लगा दूंगा इसमें कि मैं इसको पूरी तरह से निभा सकूं। आपने पहले भी बहुत से किरदार निभाए हैं, लेकिन इस बार तो आपको शायद ही बहुत सारी खुशी होगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा है। जी हाँ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जैसे के जैसे जैसे स्क्रिप्ट में आगे डेवलपमेंट होता जाता है हम उसके ऊपर वर्क करते जा रहे हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मालव, वो बहुत उस पर मेरी हेल्प करते हैं। कई बार चीज़ें अगर 19-20 हो जाती हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि पूरी परफेक्शन के साथ आ जाए। कमेंट्स तो एज ऑफ नाउ मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए सारे कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हैं तो उससे मुझे सीखने मिलेगा कि मैं अपने आप को उससे बेटर कैसे कर सकता हूं। कि अगर कोई कुछ कह रहा है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तो मैं उसको सुझाव की तरह लेकर अपने आप को उसमें कैसे बेटर करना है, उससे एक स्टेप कैसे ऊपर जाना है, मैं उसी में आई विल वर्क ऑन दैट। कंपैरिजन तो मैं यही कहूँगा कि देखिए वो जो करते थे उन्होंने अपना एक ट्रेंड बनाया, उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनको कॉपी करूँगा, मैं अपनी तरफ से अपना क्या ऐड कर सकता हूँ उसमें, मैं उसमें वो करूँगा। क्योंकि कॉपी करना फिर वो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो फिर वही सेम चीज़ कर रहे हैं। इसमें मैं अगर कुछ एडिशन करके, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर एक सब्जी जो बन जाती है उसमें अगर हम कुछ एडिशन करके उसको चीज़ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दें तो फिर और क्या बात है। देखिए मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि 14 साल से जो तारक मेहता कर रहे थे, तो शैलेश लोढ़ा जी, तो आज हम लोग एक परिवार की तरह काम करते थे। लेकिन अभी कुछ होता है, समय समय की बात होती है, तो क्योंकि मैं अपने सारे आर्टिस्टों को एक परिवार की तरह समझता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी यही भूमिका रहती है कि मैं कैसे सबको जोड़ के रखूँ।
और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरे इधर स्पॉट बॉय से लेके मेरी डायरेक्शन की टीम, राइटर्स, सब लोग और सारे आर्टिस्ट, सारे प्रोडक्शन के लोग, लाइट मैन, मेकअप मैन, ड्रेस मैन, एडिटिंग, ये सब लोग हम परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। दिवाली साथ में मनाते हैं, सब कुछ साथ में खेलते हैं, मजा करते हैं, रोज काम करते हैं। तो ये आज 15वें साल में है, तो ये एक अलग परिवार हो गया है मेरा। अपना खुद का तो परिवार है, लेकिन ये भी एक मेरा परिवार हो गया है। तो ये परिवार में से कोई भी अलग होता है तो दुख बहुत होता है, तो वो बहुत इजी नहीं होता है कि किसी को भी लाए और रिप्लेस कर दिया। और ये बहुत कठिन समय रहा है मेरे लिए, लेकिन समय समय की बात होती है, परिवर्तन स्वीकार करना पड़ता है, तो इसको आप रोक नहीं सकते हो, जो भी कुछ हुआ। लेकिन बहुत सारी हमने कोशिशें की कि भाई किसका चयन किया जाए, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने काम भी देखा था सचिन जी का उनके पहले सीरियल के अंदर, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक अच्छा उनका स्माइल है, अच्छा सा एक इनोसेंस भी है, तो मुझे लगा कि तारक मेहता का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे, मेरा विश्वास है। तो बस हमने मैं बहुत बार उनको मिला, बहुत सारी बातें की, उनको समझा, और फिर मैंने सोचा कि ये करेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि मैं मेरे दर्शकों को कभी नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ मेरे दर्शकों की वजह से हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे दर्शक वही मुझे प्रेरणा देते हैं। वो जब एपिसोड की तारीफ करते हैं तो मैं एकदम खुशी से झूम उठता हूँ कि और भी मेहनत करूँगा, और भी अच्छे एपिसोड बनाऊँगा। और जब भी अगर कुछ उनको कुछ पसंद भी नहीं आता है तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ कि अरे बाप रे क्या गलती हो गई, इसको अभी कैसे। तो मेरे लिए जो भी है दर्शक ही सब कुछ है, और मैं दर्शक की खुशी को मैं कभी भी कम नहीं कर सकता हूँ। तो दर्शक को भी मैं अपील करता हूँ कि आप इसको एकदम पॉजिटिवली लीजिए, और मेरा आपको वादा है कि आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। सचिन जी बहुत मेहनत करेंगे और आपकी हंसी और खुशी बरकरार रहेगी। देखो, अगर अच्छी कहानी होगी, अगर जो भी नया कैरेक्टर के अंदर जो भी आ रहा है अगर वो भी बहुत मेहनत करेगा तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। कहानी अच्छी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को एक हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, और इसीलिए लोग 8:30 बजे आज भी 15 साल से देख रहे हैं। अभी कठिन क्या होता है, तो कठिन मैं मेरे सारे कलाकारों के साथ जो अभी मैंने बात किया, हमारे लेखक, दिग्दर्शक, हमारी पूरी टीम, जो भी हमारे वर्कर्स है, सभी के साथ मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। तो जब भी कोई जाता है तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में से कोई चला गया, क्यों चला गया। तो स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप किसी के पास वो अपेक्षा नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप 15 साल से सब लोग साथ में हैं। शैलेश जी भी आज 13-14 साल से साथ में हमारे साथ काम किया है, वो भी आज भी मेरे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनका योगदान है, तो मेरी उनको शुभकामनाएँ। और ऐसा कोई ये कुछ है नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो एक ट्रेन है, हम लोग सब ट्रेन के डिब्बे की तरह सब है, और हर एक स्टेशन पे अगर कोई उतर गया तो कोई चढ़ जाएगा। तो मेरा एक ही है कि हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो हंसी खुशी की जो ट्रेन है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए और फुल स्पीड में चलनी चाहिए। कई
उसके अलावा आप कोई और शो या कोई और चीजें करने वाले हो या फिर सिर्फ तारक मेहता पे कॉन्सेंट्रेट? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता पर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा। इसमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारे सारे कलाकारों का योगदान है, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो लोगों के घर में बस चुका है। सारे किरदार को लोग बहुत प्यार करते हैं और महीने के 26 एपिसोड होते हैं, तो हार्डली कुछ टाइम मिलता है, कलाकारों को भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमारी भी ये कोशिश है कि भाई आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे ही ध्यान दो, ये शो ने सबको बहुत प्यार दिया है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्यार मिला है कि जो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ही सीरियल को मिला हुआ है। जब दर्शक अगर कोई भी कलाकार को अगर अपना समझ ले तो इससे बड़ी कोई खुशी की क्षण नहीं हो सकती है। तो आओ दूसरा ना करे तो अच्छा है, आप लोग भी बोलिए भाई दूसरा मत करो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उधर चिपके रहो और लोगों को हंसा दे रहो। आप उनसे अभी 1-to-1 करिए, बापू जी आ गए, बापू जी आ गए, बापू जी नहीं वो सब करेंगे उनका अलग। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी रिप्लेसमेंट की बात हो ही रही है तो आप उनके साथ फिर करिए, या तो एमनी साथ थवा दो। एक आखिरी सवाल सर। ओके देखिए, शो के ऊपर अभी कुछ चीजें करनी जरूरी है, मैं समझता हूँ। दया भाभी वो किरदार है कि जिसको हमारा दर्शक भूल ही नहीं पाता है। आज 4-5 साल से दया भाभी नहीं है, फिर भी लोग भूल नहीं पाते हैं, लोगों को दया भाभी शो पे और उनकी कमी महसूस करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन हमारे जो दया भाभी का जो किरदार निभाते थे दिशा वाकानी जी, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कोविड का समय था, मैंने वेट किया और आज भी वेट करता हूँ। आज भी मेरी भगवान को प्रार्थना है कि कुछ चमत्कार हो जाए, वो अपने शो में लौट आए। लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी एक पारिवारिक अपनी खुद निजी जिंदगी है, तो वो आए वो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि दर्शक की तरह मैं भी चाहता हूँ कि भाई दया भाभी आ जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आपको ये मेरा वादा करता हूँ कि दया भाभी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने स्टोरी में भी डाल दिया है दया भाभी नहीं आएगी तो जेठालाल अन्ना और जल का त्याग करेंगे, तो फिर जेठालाल का क्या होगा, और बिना जेठालाल तो भाई सब कुछ मुश्किल है। तो जल्दी से दया भाभी भी आएंगे, बहुत सारे जो भी अगर बदलाव करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, नए किरदार भी आएंगे, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 15 साल, ये 15वां साल है, तो कभी कभी बदलाव जरूरी है। जब हम हमारे घर में भी पेंटिंग जरूरी होता है, थोड़ा फर्नीचर भी ठीक करना पड़ता है, तो थोड़ा बदलाव जरूरी है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उसका स्वीकार करेंगे, सब कुछ होगा। आप विश्वास रखिए, मेरा आपको वादा है, आपकी हंसी में कमी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। सर बदलाव के साथ एक चीज का हम एक और बदलाव चाहते हैं कि जो जेठालाल की जो सास थी और हमारे पोपटलाल की शादी, ये दो कब होगा, ये दो कब हमें नजर आएगा? जल्दी ही नजर आएगा, क्योंकि अभी पोपटलाल के ऊपर मुझे भी दया आती है कि अभी पोपटलाल की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि कितने छाते बदल दिए उन्होंने, कितने मेहनतें कर ली, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए। लेकिन हमारा दर्शक गण जो है, जब भी मैं सर्वे करता हूँ तो 50-50 आता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई पोपटलाल का शादी नहीं करो, हमको ऐसे ही पसंद है, तो अभी मैं क्या करूँ? तो आप लोग कुछ मुहिम चलाओ कि शादी करो अभियान, ये कुछ करते हैं हम लोग पोपटलाल के लिए। अरे भाई पहले दया भाभी को तो आने दो, फिर दया भाभी की मम्मी की बात करते हैं। अभी दया भाभी है नहीं तो मम्मी भी दिखेगी आपको, सब लोग दिखेंगे, और सब टाइम लगता है, इतना सब कुछ लोग बोलते कि चेंज कर दो, ये बदली जल्दी लेके आओ, हर एक चीज का एक समय होता है, रोज की सीरियल है, रोज के शो के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, और ऐसा है कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के हम लोग डिले कर रहे हैं, एक सही मायने में उसका चयन होना चाहिए, कास्टिंग होना चाहिए, और जो भी लोग मिले वो अच्छे कमिटमेंट वाले मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वापस किया और वापस हमको कोई रिप्लेसमेंट आ गया, तो और सब लोग घुल मिल जाएंगे। मुझे भी यकीन है कि
ये सचिन जी ने जैसे पानी का बताया तो मैं उसको अलग अंदाज से कहूंगा, जैसे ये हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम है, ये हमारी टीम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब ये सचिन सौरभ आएंगे और पानी के साथ पानी मिल जाएगा, तो ये उनका भी कमिटमेंट जब है तो मैंने उनको देखा कि आप शो में आइए, हमारे लिए भी खुशी की बात है और उनको भी शुभकामनाएं और पूरी टीम उनके साथ है। ठीक है, थैंक यू। आप पूछ लो विशाला सर, हम यही समझे कि यानी कि जो हम इतने दिनों से इतने सालों से वेट कर रहे हैं बंदा, तो नई दया दिशा बखानी नई दया आने वाली है, ये हम समझे आप? नहीं, मैंने अभी कहा ना, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। देखो, अपना शो पॉजिटिव है, हम मैं कभी भी आशा नहीं छोड़ता हूँ। मुझे हमेशा एक आस लगी रहती है कि अगर भगवान जो चाहेगा वही होगा, तो जब वो होगा तब बात करेंगे, मैं अभी से क्यों मना करूँ? कभी भी हो सकता है, दया भाभी आर्टिस्ट है, उनका मन कभी भी होएगा, क्योंकि उनको भी कितनी तड़प होगी, उन्होंने जो किरदार को जिया है, आप उनका भी तो समझिए, और उनका हमारा कोई अनबन नहीं है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, तो उनको भी तो मन में कुछ होगा कि मैं कब जाके करूँ। लेकिन शादी होने के बाद लड़कियाँ का एक अलग जीवन हो जाता है, और वो जीवन भी वो अच्छे से निभा रही है, तो अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनको कुछ ऐसी तकलीफ है नहीं आएंगे तो दूसरे दया भाभी आएंगे। तो मेरा एक ही है, हमारे दर्शक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरा दर्शक वो मेरा बॉस है, तो मैं मेरे दर्शकों की नौकरी करता हूँ, तो वो जो चाहेंगे वो हम लोग तो वही चाह रहे ना कि हाँ, लेकिन कब आएंगे? तो मैं दर्शक लोग को बोलता हूँ भाई मोर्चा निकालो, चलो नया भाभी के घर और आ जाओ। ठीक है, ठीक है जी जी जी। नए तारक मेहता मेरे दर्शक उनको स्वीकार करेंगे, बहुत प्यार देंगे, और ईश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ है, और मैं जैसे कहते आया हूँ कि आपके हंसी और खुशी में कभी कमी नहीं आएगी, तो सब हंसते रहिए, हंसाते रहेंगे हम, मजे करते रहिए, खुश रहिए, खुश रहे, मजे करे, और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।